हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज मैं आपके लेके आया हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली वीडियो में क्या करा था हमने? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो चलिए कुछ बातें पढ़ते हैं इसके बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ टर्म्स होती है जो आपको बड़ा कंफ्यूजन करेगी, उसको आज क्लियर कर लेते हैं ना। चलिए, पहला क्या है ना, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, है ना। आप लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप देखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना। और CO2 कहाँ जाती है, मैंने बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस में, प्लांट के अंदर जाती है, है ना। चलो अब अगले टर्म आते हैं, रेस्पिरेशन। कई लोग ना किसी चीज को क्या समझ लेते हैं, रेस्पिरेशन समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, ये क्या है बेसिकली। देखिए, इस सेल के अंदर एनर्जी बनना, सिंपल सी बात है। देखिए, ये आपका क्या है, एक सेल, ठीक है, जानते हैं ना सेल को तो आप। देखिए सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आप बोलेंगे ग्लूकोज कहां से आया, कल डाइजेशन पढ़ाया था ना, उसमें आया था ग्लूकोज अपना, कहां से आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया था, है ना। प्लस आप ओ2 अंदर ले लेते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, है ना, इसको मिला के क्या बन जाता है, CO2 बनता है, प्लस H2O बाहर निकलता है, प्लस सम एनर्जी बाहर निकलती है। ये आपका पूरा प्रोसेस चला जाता है रेस्पिरेशन कहलाता है। देखिए CO2 क्या है, जो आप बाहर निकाल देते हैं, ये तो अपटेक हो जाती है, अपटेक। H2O क्या करता है, हमारी वाटर जो होता है अपनी बॉडी में क्या करता है, फैल जाता है, इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है आपको, है ना। और पानी क्या देता है, पानी से आप क्या करते हो, और चाहे सारी चीजों के लिए काम आता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। और एनर्जी क्या करती है, मसल्स के अंदर जाती है, कहां जाती है, मसल्स में, और क्या देती है, एटीपी बनाती है, एटीपी यानी एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मदद करता है। मसल क्या होती है, इससे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मसल क्या होती है, इससे कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखिए बेसिकली है क्या रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा फर्क है ना। कई लोगों की गलत बातें होती है जो बताते हैं रेस्पिरेशन को, क्या बताते हैं, ब्रीथिंग के तब से बताते हैं, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फर्क क्या है। देखिए सीबीएसई वाला जो होगा आपको इन्हीं दो चीजों को कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि जानता है वो बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज हो चुका है, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक। देखिए बेसिकली क्या है, एरोबिक मतलब जिसमें आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी लिखता हूं रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन की, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यदि आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एनर्जी, यहां से लेंगे एनर्जी कंजम, ठीक है, यहां पर एनर्जी नॉट कंज्यूम, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि एनर्जी जहां कंज्यूम हो रही है, O2 की रिक्वायर्ड है, किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है, और एनएरोबिक किसके अंदर होता है भाई, लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर
ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा वगैरह हो गए, है ना। अब देखिए एरोबिक और एनारोबिक का पता चल गया क्या होता है बेसिकली। अब एक और बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है चलिए। अब एक और टर्म आती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, वही पढ़ लेते हैं या इनहेलेशन पढ़ते हैं, बल्कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन ठीक है। देखिए इनहेलेशन क्या होता है बेसिकली, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन क्या होता है अपटेक ऑफ CO2, मतलब CO2 को बाहर निकालना बेसिकली, है ना। और इनहेलेशन ऑफ इनहेलेशन क्या होता है इनटेक ऑफ O2, है ना। अब देखिए जो ये प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं इंस्पायरेशन, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्सपायरेशन। यहां पर आपको एनर्जी चाहिए होती है, बहुत बढ़िया, एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है, यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। जब इंस्पायरेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बेसिकली, है ना, और एक्सपायरेशन में क्या होता है CO2 को बाहर निकालते हैं। तो देखिए हम एक डिफरेंस यहां से बना सकते हैं अगर, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस क्या आपका, जो आपका सेल होता है बेसिकली, सेल के अंदर क्या बन रहा है यहां पर ग्लूकोज को क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है, तो यहां पर ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं अच्छी सी, है ना। हम पढ़ेंगे डायग्राम के अंदर पार्ट्स, अब पार्ट्स लिखने वाले हैं हम रेस्पिरेशन के पार्ट्स। देखिए चलो अब मैं पार्ट को लेकर लेबल करूंगा और उसके बारे में मंशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इससे पहला जो आपका पार्ट देखा है ऐसे बोलते हैं जो आगे वाला पार्ट करने वाला जो होता है नोस्ट्रिल, क्या बोलते हैं इसे नोस्ट्रिल, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर जो आपका पैसेज आ रहा है ये रास्ता जा रहा है ना, इसे बोलते हैं नेसल पैसेज, क्या बोलते हैं बेटा नेसल पैसेज, ठीक है। उसके बाद जो रास्ता जा रहा है यहां से यहां तक जो होता है पोर्शन इसे बोलते हैं पेरनेक्स, क्या बोलते हैं बेटा पेरनेक्स, ठीक है। उसके देखो उसके नीचे फ्लैप नेक स्ट्रक्चर दे रखा आपको एक, है ना, जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। इसके नीचे देखो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दे रखा है आपको इसे बोलते हैं लैरिंक्स, लैरिंक्स यानी कि साउंड बॉक्स, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे देखिए आपको रिंग्स दी होंगी कुछ, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। इसे यहां पर बोलते हैं वाइंड पाइप यानी हवा के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे बात करते हैं ये आपका होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई है ना। उसके आगे बात करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं ये दिख रहा है आपको जो आपको बैग लाइक दिखती है इसे बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखिए इसे बोलते हैं डायफ्राम, मैंने आपको दिखा मैंने पेट से पोर्शन बना रखा है इसका, क्यों यहां पर होता है हर्ट आपका, क्या होता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर्ट, ठीक है। अब मैंने आपको देखो ऊपर ये जो कुछ बना रखा है मैंने पहली चीज से बोलते हैं रिप्स, रिप्स यानी आपकी हड्डियां होती है ना आपकी रिप्स, ठीक है। यहां पर देखो कुछ मसल्स हैं जिससे डायफ्राम क्या होता है अटैच होता है, है ना। तो देखिए यहां पर मैंने आपको दिखा रहा हुआ मेम्ब्रेन से होती है इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, सपोर्ट करती है लंग्स को। देखिए मैंने आपको सारे पार्ट बताए, अब इन पार्ट्स को लेकर के पढ़ते हैं। देखिए पहला पार्ट है नोस्ट्रिल और नोस्ट्रिल नेसल पैसेज, देखिए ये नेसल पैसेज में क्या होता है आपकी जो नोज है नोज की जो एंट्री होती है ना, नोज के अंदर का जो रास्ता होता है उसे कहते हैं नेसल पैसेज। उस समय क्या होते हैं बेटा हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं हेयर्स, जिनका काम होता है टू स्टॉप डर्ट, डर्ट यानी गंदगी को रोकते हैं, ठीक है, जिससे आपको फ्रेश एयर आपके लंग्स को मिल सके, है ना। और दूसरी बात एंट्री करते हैं इसकी एयर, एंट्री ऑफ एयर बाय नोस्ट्रिल्स,
ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, सेकंड ऑर्गन हमारा फ्रेंडिक्स। देखिए यहां पर कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, मतलब यहां से खाना और एयर दोनों दिशा चाहिए। सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, देखिए बेटा इसके एकदम जो पीछे आपकी इसोफेगस होती है एलिमेंट्री का नाम, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, है ना। तो देखिए जब एपिग्लोटिस जब खाना आता है तो एपिग्लोटिस ना अपने जो ट्रेकिया को बंद कर लेता है, तो खाना उसके अंदर चला जाता है। जब एयर आती है तो वो दूसरे वाले जो आपका पार्ट है इसोफेगस को बंद कर लेता है, है ना। तो देखिए फैट एक्सक्रीशन से क्या होता है, कॉमन प्रोसेस फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम आपका एपिग्लोटिस, शॉक से गिर जाते हैं
या कभी भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, लंग्स अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं, है ना। इसके कारण क्या करते हैं, लंग्स के हिलेंगे तो क्या आएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, उसी फ्रिक्शन को रोकता है स्ट्रोक फ्रिक्शन। इन फ्रिक्शन आया तो क्या होगा, आपके लंग्स घिसेगा और उसको डैमेज हो जाएगा। डैमेज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, अब बात करते हैं डायफ्राम की। बेसिकली आपका डायफ्राम क्या है, आपका डोम शेप होता है, मस्कुलर होता है, डोम शेप होता है, डोम यानी कर्व, ठीक है, मस्कुलर होता है, काम करता है आपका ऑक्सीजन और CO2 का, जब अंदर आपके ऑक्सीजन या CO2 बाहर जाती है उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, यानी वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम को, लंग्स के वॉल्यूम को बेसिकली कंट्रोल करता है। जब ये ऊपर जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब ये कंप्रेस नीचे आएगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। बेसिकली हम उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, कैविटी माने खाली जगह, थोरेसिक मतलब लंग्स के आसपास, ठीक है। तो देखिए, और जो मसल लगी है यहाँ पर, इसकी कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है ताकि डायफ्राम से जुड़ा रहे और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराता रहे, है ना। आपको वाली बात भी समझ में आई होगी, आपको एपिग्लोटिस जो नीचे ट्रैकिया है वो ग्रट वाली है ना, ईसोफेगस वाली, ये दोनों आगे पीछे होते हैं और एपिग्लोटिस काम करता है फूड आपकी ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, है ना। तो देखिए, ये था हमारे रेस्पिरेशन का पार्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ जो फंक्शंस होते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। तो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ घंटा दबाना ना भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।